यस यस माई इंग्लिश टीचर वॉज वियर्ड। बाकी लोगों को अपने इंग्लिश टीचर पे क्रश होता होगा, उनसे शादी करने का सपना देख के कोने में बैठ के रोते होंगे, लेकिन मेरी वाली अलग थी। यार ये सब बोलते हैं मेरी वाली अलग है। वेल भाई ट्रस्ट मी शी वॉज डिफरेंट। सो पहले तो मुझे मेरी इंग्लिश टीचर का कोई फेक नाम देना होगा। कैरन। हाँ हम इन्हें कैरन बुलाएंगे। कैरन हमारे स्कूल की टीचर में सबसे बॉसी थी। तुम्हें लगता होगा कि स्कूल में उस स्कूल का प्रिंसिपल बॉस होगा, बट नहीं, हमारी स्कूल की प्रिंसिपल खुद इससे डरती थी। और मैं तो यार कैरन जी का रेगुलर था, रेगुलर शिकार। लाइक कुछ भी हो जाए ना क्लास में। एक बार ना क्लास में बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी, सब लोग एक दूसरे पे फिंगर पॉइंट कर रहे थे कि इसने लड़ाई शुरू की थी, जबकि मैं भाई अपने आप ही बैठा था, खुद की दुनिया में था, खुद के दुख में था। अचानक से ये बोलती है, तू प्रदीप, तू, तेरी गलती है। क्या मैं तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो बस इधर चुपचाप बैठा हूँ। एक तो यार आज तो मेरा स्कूल आने का भी मन नहीं था, और आया तो मेरे साथ ये हो रहा है। लिटरली भाई बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है जब कोई तुम पे किसी चीज का इल्जाम लगाए जिसमें तुम्हारी कोई गलती ना हो। तो हेनरी ने जैक को बोला, प्रदीप सुन, 10 मिनट हो गए, पीटी पीरियड स्टार्ट हुए, ये अभी भी अपना क्लास कर रही है। हाँ भाई तू कुछ बोलना यार, वरना हमारा पीटी पीरियड मिस हो जाएगा। हाँ मैं क्यों बोलूँ, तुम लोग बोलो। अरे भाई क्योंकि तू हम में से सबसे ज्यादा ब्रेव है, तू हिम्मत वाला है भाई। ये इतना मस्का काफी था कि मैम अभी आपका पीरियड हो गया, पीटी का पीरियड है। ये चुप चुप। लेकिन मैम बोला ना चुप। वैसे ये इनकी एक आदत थी, ठीक है, कोई भी इनको किसी भी चीज के लिए ठीक कराने जाएगा लाइक मैम ये आपने मुझे यहाँ पे 1 मार्क लेस दिया है जबकि मैंने आंसर ठीक लिखा था। चुप चुप, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैडम ये आपके लिए चिट्ठी। चुप चुप। अरे मैं तो बस चिट्ठी देने आया था। बोला ना चुप। बन गया ना भाई तू भी भीगी बिल्ली। लोग बोलते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश बात करना मुश्किल है, बट दैट इज अ मिथ। एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना हम लोगों के लिए पॉसिबल है, बट जस्ट लाइक तुम स्विमिंग एंड ड्राइविंग सिर्फ क्लासेस में बैठ के नहीं सीख सकते, तुम यार सिर्फ बुक्स एंड मूवीज देख के फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते। ये भी एक स्किल है जिसको तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, और उसके लिए तुम्हें सही लोग चाहिए होंगे जो कि तुम्हें सिखाए। और अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है और तुम कॉन्शियस फील करते हो मेरी तरह लोगों के आसपास, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो कैम्बली। कैम्बली ही बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि तुम्हें प्राइवेट एंड ग्रुप क्लासेस में ज्वाइन कराएगा बाकी 20,000 से भी ज्यादा नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ, जो कि यूके, यूएसए और कनाडा जैसी जगह से है। क्लासेस बहुत फन होती है, एंड मैं खुद एक क्लास ज्वाइन हुआ था, ट्यूटर बहुत फ्रेंडली और नॉन जजमेंटल होते हैं। Yeah, there's one thing that a student needs to understand is that they need to go slow. Okay, slow when reading, and when I say slow, something like click here to add pronunciation. तुम वेरियस टॉपिक्स भी चूज कर सकते हो यार, लाइक बिजनेस इंग्लिश, आइल्स, ट्रैवल, जो भी कल्चर हो जिसके बारे में तुम्हें कॉन्वर्सेशन करना हो। ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है अगर तुम अपना इंग्लिश स्पीकिंग का डर निकालना चाहते हो और पब्लिक और मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बात करना चाहते हो। तो अभी जाओ कैम्बली ट्राई करो। एंड भाई एक बार तो मुझे याद है हमें कोई पायरेट्स वाला चैप्टर पढ़ा रही थी है। अब तुम लोगों ने बचपन में ये शो देखा है तो तुम लोगों को पायरेट्स के बारे में इनफ नॉलेज होगी, जैसे कि मुझे थी। मुझे पता था ये वर्ड, इसको आई बोला जाता है जो कि हिंदी में ट्रांसलेट होगा हाँ यानी ठीक है। ठीक है ए इधर आ चमचे। आई आई कैप्टन। जा मेरे लिए और 2 बॉटल विस्की और चने लेके आ। आई आई कैप्टन अभी लाता हूँ। बट नहीं, इनको ये वर्ड का लिटरली मतलब नहीं पता था तो ये ना अपनी मर्जी से पढ़ाने लगी इसको। सो बच्चों फिर चमचे ने कैप्टन को बोला, ए ए कैप्टन मैं ये जाके लाता हूँ। ए ए कैप्टन ये रे तेरे विस्की और चने। क्या बोला तूने मुझे? सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल गुड स्टूडेंट मुझे लगा कि मुझे ये गलती ठीक करनी चाहिए। जो कि सुनो, कभी भी किसी भी टीचर को अपनी जिंदगी में ये मत बताने जाना कि वो गलत है। Why? क्योंकि टीचर वो ए नहीं आई होता है, उसको आई आई बोलते हैं, यानी कि हाँ हाँ। साले 21st सेंचुरी में भी मुर्गा कौन बनाता है आजकल? चुप रहे, मुर्गा बना रहे ठीक से नालायक। एक बार तो यार हद पार हो गई थी। लाइक तुम लोगों को याद है कभी कभार हम स्कूल जाने से पहले शायद एक्स्ट्रा खा पी के जाते थे, स्पेशली एग्जाम के टाइम में मेरा ये बहुत चलता था कि मैं जम के खा पी के जाता था क्योंकि एग्जाम मेरी आधी जान खुद ले जाती थी। सो लाइक हम लोगों का टेस्ट चल रहा था। मैम क्या हुआ? मुझे बाथरूम जाना है। अच्छा नहीं दिख नहीं रहा, हम एग्जाम के बीच में, बस और 2 घंटे बचे उसके बाद चले जाना। अरे मैम तब तक कंट्रोल नहीं होगा।
तू कंट्रोल कर, बैठ और एग्जाम दे। अबे इधर रुक दिया। Like literally मुझे समझ नहीं आता, बेचारे ने बोला तो उसको जोर की लगी है। हाँ मुझे उसका गंदा वाला नंबर 2 स्मेल करना पड़ा, बट इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। एटलीस्ट बंदे ने वार्निंग दिया था, भीख मांगी थी। इसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी वहीं पे हल्का होता। So, अब तक तुम लोगों को एक चीज तो समझ में आई गई होगी मेरे टीचर के बारे में कि ये ओवर स्मार्ट थी। एंड अगर उनको कोई बोला कि वो ओवर स्मार्ट है तो वो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आता था। वो उसका एज अ पर्सनल अटैक लेती थी, इतना कि उस बच्चे के पेरेंट्स को बुला के उस स्टूडेंट के बारे में कुछ भी झूठी चीजें बोल देना। आपका बेटा क्लास में बहुत शरारत करता है, क्लास पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लड़कियों को ताटने के लिए स्कूल आता ही है। अरे वाह, मेरा बेटा तो मुझ पे गया। आई आई या, कॉपीराइट नहीं लगाना। सुबह से क्लिक आ रही ऐसी टीचर थी जो कि बहुत गुस्से वाली थी। लाइक प्रोबेबली इनकी अपनी खुद की जिंदगी में बहुत कुछ गलत चलता होगा, जो कि स्कूल में आके हम मासूम मासूम बच्चे जिनको भगवान का दूसरा रूप भी बोला जाता है। ओके ज्यादा बोल रहा हूँ, बट स्टिल यार इट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। ये वन ऑफ द रीजन थी जिसकी वजह से मुझे और बाकी क्लास के बच्चों को स्कूल में जाने में और मन नहीं होता था। लाइक पहले से इधर मन नहीं हो रहा है, बस लगता था कि जाने दो, आज भी कैरिन से अपनी कुटाई नहीं करानी। मुश्किल से मैंने किसी भी तरीके से इनके सारे क्लास पास किए थे बिकॉज आई वॉज गुड एट इंग्लिश। एंड अगर ये अभी भी टीचर है, अभी भी पढ़ाती है, तो मैं बस इतना ही बोलूंगा उन बच्चों को जो इनसे पढ़ते हैं, कुआ और खाई दोनों इतने बुरे ऑप्शन नहीं है। और हाँ गाइस, कैम्बली डाउनलोड करना मत भूलना। अभी वो लोग अपना ट्रायल क्लास का भी ऑप्शन दे रहे हैं, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ 9 रुपए में ही, हाँ 9 रुपए में 15 मिनट का क्लास बुक कर सकते हो तुम किसी भी ट्यूटर के साथ। एंड अगर तुम्हें क्लास पसंद आया तो तुम कैम्बली प्राइवेट में वन ऑन वन क्लासेस या फिर किसी ट्यूटर के साथ ग्रुप क्लास कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारे जैसे और 2 स्टूडेंट्स जो की अलग कंट्रीज है वो भी रहेंगे। तो जाओ ट्रायल आज ही चेक कर लो। एंड या थैंक्स यार वीडियो देखने के लिए। और हाँ अगर तुम्हारी भी ऐसी मेरी जैसी इंग्लिश या फिर कोई भी ऐसी टीचर हो तो यार गुड लक। तो यार दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।